हमले की तैयारी कर रहे हैं। अरे चलो जल्दी, चलो रखो गाड़ी में, जो भी सामने आएगा काट कर रख दूंगा। भाई ने जो कहा है वही करूंगा। मार दिया दादू। मार दिया ना, मार दिया ना, मेरी बीवी को मार डाला तुमने। जीत के करीब पहुंचकर भी मैं हार गया हूं। पहले मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। मेरा नाम है कृष्णा। मुझे हमेशा एक सपना आता था। लोग कहते थे कि वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन आज वो सपना पूरा हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पापा की पॉलिसी है कि लाइफ के साथ गेम मत खेलो, लाइफ को एक गेम समझो। मैं भी यही मानता हूं। फुटबॉल मेरी जिंदगी है। अगर किक मारूं तो गोल होना ही चाहिए। कल तक कोई मुझे जानता भी नहीं था। एक इंटरनेशनल गेम के बाद जिंदगी बदल गई। वेलकम मिस्टर रामकृष्णा। थैंक यू सर। तुमने देश का नाम रोशन किया है। सरकार की तरफ से तुम्हें 50 लाख कैश, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट गिफ्ट दिया जाता है। देखिए, बस एक मिनट का काम है मेरा, बस एक मिनट। मुझे जाने दिया गया है, आप नहीं जा सकते। वो मेरे पापा हैं। सिक्योरिटी आने दो ने। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम नारायण है सर, इसका पिता हूँ। ये सब क्या है? ये इसके सर्टिफिकेट्स है सर। ये गधा खेल के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है सर। दया करके इसे कोई गवर्नमेंट जॉब देंगे तो जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। ओ शिट, क्या हुआ? तेरे पापा ने फिर से निकाल दिया क्या? बॉल की हवा निकल गई ना, अब समझा? मेरे जीजा जी भी ना घर बैठे बैठे कृष्णा रामा करते रहते हैं, इसलिए तेरे सपने में भी आते हैं। छी, अच्छा सपना कल जैसा ही था या कुछ अलग था? बहुत फर्क था मामा। परसों कॉर्पोरेटर, कल एमएलए, आज तो स्पोर्ट मिनिस्टर ही आ गए थे। अच्छा? स्पोर्ट में 50 लाख कैश और फ्लैट भी देने वाले थे मामा। बीच में तेरे पापा आकर ना सारा खेल बिगाड़ दिए होंगे, वरना तेरी लाइफ तो सेट हो जाती ना भांजे। हाँ मामा, वो सब थे, आप थे और जनता के बीच में और तेरे साथ हम भी। और तेरे साथ हम मुंह क्यों घुमा रहे? छे छे, ये क्या कह रहे हो? तुम कैसे नहीं रहोगे? सपना हो या हकीकत, हम हमेशा साथ रहेंगे। जहाँ मैं रहूंगा तुम भी वहीं रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे मैं भी वहीं रहूंगा। थैंक्स भांजे। हाँ भूल गया, मिनिस्टर जी ने हम दोनों को मिलाया था ना, और सपने में हमने हाथ भी मिलाया होगा। नहीं मिलवाया मामा, बहुत बिजी थे। सबको ऑटोग्राफ दे रहे होंगे ना? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तू बहुत बड़ा हीरो बनकर प्लेन में घूम रहा होगा, और हम लोग तेरे आगे पीछे ताली और बैंड बजाते हुए झूम रहे होंगे ना। वो सब तो ठीक है मामा। ए, रुक! सही समय पर तेरे पापा आ गए, अच्छा हुआ, वरना हमारे यहाँ तो बैंड क्या चप्पल बजवाता तू। तेरे सपने को नमस्कार, चलो रे। चलो। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पार्टी नहीं चाहिए क्या? तू बैंड बजवाएगा तो हम लोगों को जाना ही पड़ेगा ना। पार्टी कब देना है भांजे? ये
मेरी माँ का मुंह बोला भाई है, यानी मेरा मामा। रिश्ते में मामा लेकिन मेरा अच्छा दोस्त है, और ये सब भी मेरे फ्रेंड्स हैं। अब फैमिली के बारे में बताता हूँ। मेरे पापा नारायण MRO, खाली बैठना इन्हें पसंद नहीं है। आसपास के लोगों को MRO ऑफिस में जो भी काम होता है पापा के पास ही लेकर आते हैं, इसमें ही इनका वक्त गुजर जाता है। मेरे बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमेशा लैपटॉप के साथ ही रहता है। और ये मेरा छोटा भाई कंस्ट्रक्शन ऑफिस में मैनेजर है, बच्चों की देखभाल ही नहीं अपनी पत्नी का काम भी यही करते हैं। ये है मेरी बड़ी भाभी, खाना बहुत अच्छा बनाती है। ये है छोटी भाभी, बहुत अच्छा खाती है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। ये बड़े भाई की बेटी है, छोटे भाई का एक बेटा है। छी 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 छी, ये सब क्या है? ऐसे कपड़े रखते हैं क्या? छी, जूते भी फेंक दिए हैं। ये घर है या कबाड़ खाना? 25 साल का हो गया है, अब तक कपड़े रखना भी नहीं सीखा। ऐसा लड़का मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। छी, गंगू, तुम ज्यादा ही बोल रही हो, काम वाली हो, अपनी हद में रहो वरना भगा दी जाओगी। तू अपने बारे में सोच, मुझे इस घर से कोई नहीं भगा सकता, समझे? ये है गंगू भाई, बोलती ज्यादा है, काम भी ज्यादा करती है, कई सालों से यही रहती है, काम वाली की तरह नहीं घर की सदस्य की तरह। इन सब के अलावा घर में एक मेन कैरेक्टर भी है। कैसे ड्राइविंग करे हो, तेज चलाओ ना। फुल स्पीड में ही तो चला रहा हूँ बेबी। छी छी, बुड्ढा कहीं का, ऐसा खटारा ऑटो मैंने कहीं नहीं देखा। टाटा मैं तुम्हारी बातें ऑटो नहीं समझेगा। तुम तो समझते हो ना, खटारा ऑटो चलाकर पैसे कमाना चाहते हो, बेवकूफ पागल। अरे डांटो मत बेबी, तुम्हारी बातें ऑटो तो क्या, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, राइट में घुमाओ। ठीक है बेबी। ये वन वे है बेबी। मैं जानती हूँ, ये मेरा शॉर्टकट है, जाने दो। तुम्हारा शॉर्टकट मेरी लाइसेंस जब्त करवा देगा। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारे ऑटो में बैठने वाली DIG की बेटी है, अगर तुम्हें किसी ने रोका तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ये बात है मैडम? अरे तो पहले बताना था, वो देखो वो दिख रहा है ना सब इंस्पेक्टर, उसे जाकर के उड़ा देता हूँ मैं। हाँ, मुझसे फाइन मांग रहा था वो। ए वहाँ से गाड़ी आ रही है सर, यहाँ पर सब ठीक है सर। ए कौन है बे तू? तुम सबकी नौकरी चली जाएगी, जरा बैकग्राउंड देखकर बात करो। कौन है बे, कौन है तेरे पीछे? नीचे कर, नीचे कर। तेरा SI, CI, ESP, DSP सारा डिपार्टमेंट भी आ जाए ना तो भी मेरे ऑटो का नट नहीं उखाड़ सकता। क्यों रे, इतनी बड़ी हस्ती है तू? रुक जा, पावर पावर, सीधा बैक साइड सीट। ए कौन है रे अंदर, देख तो जा। कोई नहीं है साहब। कोई नहीं है? नहीं है। क्यों रे, तेरा बैकग्राउंड मैं देखूं? तेरे रिक्शे का एक नट नहीं उखाड़ सकता क्या? हाँ। ए, सर, इसका गियर बॉक्स को इतना मारो अरे फट जाए। अरे मत मारो, अरे मैं आपके हाथ लेता हूँ, अरे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तेरी तो पापा, मेरा भाई इस बार नेशनल टीम में सेलेक्ट होगा। नेशनल टीम को छोड़ रे, पहले स्टेट टीम की हालत देख, वो लोग कहाँ है? सपोर्ट करने के बजाय उसके लिए कोई जॉब ढूंढो, जॉब, ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। अरे बापे, इतने लोग आ गए क्यों? देखा ना दीजू, Thank you.
जय जय राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राम राजा राम राम कृपा से घर मेरे आई खुशी आई जगमग घर आंगन है खुशहाली छाई बनाओ फूलों का कजरा सजाओ आज घर सारा समा क्या खूबसूरत है बड़ा सुंदर है नजारा चलो खुशियां मनाए हम खुशी में नाचे गाए हम चलो खुशियां मनाए हम खुशी में नाचे गाए हम जय जय राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राम राजा राम छत के नीचे देवता भी रहते हैं घर मंदिर है मेरा ये घर मंदिर है मेरा ये लो सामने से आई प्यारी प्यारी सुंदर सी अपने घर की शोभा ये अपने घर की शोभा नहीं लगे किसी की बुरी नजर यूं ही सजा रहे अपना ये घर जो सच पूछो तो अपना जैसे स्वर्ग धरती पर खुशी आपस में हम बांटे यहाँ रहते हैं मिलजुल कर चलो खुशियाँ मनाए हम खुशी में नाचे गाए हम चलो खुशियाँ मनाए हम खुशी में नाचे गाए हम अब की बार अगर मेरा पीछा किया तो मार डालूंगी भांजे इसका शॉपिंग मॉल में लफड़ा किया ओहो फिर से लफड़ा देखो देखो छुपा हुआ तो छुपा हुआ चोरी पकड़ा गया थोड़ा हम भी ले मजा जो हो देखा जाएगा बड़ा मजा आ गया बड़ा पवित्र है ये बंधन कभी टूटे ना ये बंधन उमंगों का तरंगों का खुशी के रंगों का हमें कृपा से ईश्वर की मिला आनंद का मौका चलो खुशियाँ मनाए हम खुशी में नाचे गाए हम चलो खुशियाँ मनाए हम खुशी में नाचे गाए हम ओके फ्रेंड्स बाय बाय हम लोग बाद में मिलते हैं बाय 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 सुनो बहन तुम भी चलोगी ना अरे रुको 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 यही वो जगह है देखो वो रही सारी हड्डियां टूट गई हैं झगड़ा किया मैं मुझे छेड़ रहा था मैंने कहा भैया को बता दूंगी तो बोला तेरा भैया बॉडीगार्ड है क्या कर लेगा मेरा मैं उसकी बहन बचा दूंगा ऐसा बोल रहा था मामा हाँ? तो लेकर यहाँ से जाओ चल भांजी अब उसे गुस्सा आया है अब यहाँ रक्तपात होने वाला है तू नहीं देख सकेगी तुम लोग बाहर आओ मामा मैं कॉलेज जा रही हूँ वो मार डालेगा सिर्फ हाथ पैर तोड़ने को कहना ये लो भाई एक ही वार में सर फट जाना चाहिए मारो मारो भाई क्या मैं तुझे मारूं
एक दूसरे को मारेंगे तभी मजा आएगा। चल मार, मारना। अरे बाप रे, तुझे भी मैं मारूंगा। ऑटो चलाने वालों की मैं इज्जत करता हूँ। खाकी वर्दी पहनकर काम करते हो तुम, सिंगल हैंड से पहिया घुमा लेते हो तुम। जानते हो तुम मेरी नजर में क्या हो? एक बादशाह, एक रजनीकांत हो। ऐसे बादशाह के साथ मैं लड़ूंगा? टू मच हो जाएगा यार। तुम्हारा लॉस कितना हुआ भाई? मैं भर देता हूँ। ऑटो डैमेज का 500 रुपया, नहीं 2000। बॉडी डैमेज का 3000, पूरे 5000 निकालो। ये लो पूरे 10000, रख लो रख लो। फिर कभी अगर वो मस्ती करे तो एक फोन कर देना भाई, मैं आकर पैसे दे दूंगा। हाँ, लेकिन उसे हाथ मत लगाना प्लीज। ठीक है, जाओ। ठीक है ना? ये बादशाह बोल रहा है, जाओ। थैंक यू भाई। अबे जा, चलता हूँ। जा, खुद को बहुत बड़ा बादशाह समझता है लगता है। कॉम्प्रोमाइज किया इसलिए बच गया, नहीं तो एक ही मुक्के में उसकी खोपड़ी तोड़ देता। आजा आजा आजा। क्यों रे, तेरी सगी बहन को किसी ने छेड़ा तो उसे पैसे देकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और एक अनजान लड़की को किसी ने छेड़ा तो इतना बड़ा लफड़ा कर दिया। कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए उसका कोई भाई नहीं है ना? हाँ? चला जा। पापा, उस कॉलेज में जाने से मैंने मना किया था ना, लेकिन मेरी सुने बिना जिद करके गई थी। फर्स्ट टर्म भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अब दूसरे कॉलेज में जाने की बात कर रही है। हाँ? जवाब दे, इधर उधर क्या देख रही है तू? अब वो आएगा और तुझे सपोर्ट करेगा। हाँ? आज उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। हाँ? अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो तुम? चुपचाप अंदर जाओ। पापा, बेवजह किसी के लफड़े में पड़ने वाला, किसी और की चीजों के बारे में सोचने वाला कभी चैन से जी नहीं सकता। चलता हूँ। ये होशियारी की बातें तो बहुत जानता है। तू क्या कर रही है अब तक? जा अंदर। पापा मेरी बात क्यों सुनो? तेरी बात, बचपन से आज तक तू गलतियां ही करती आई है। चॉकलेट खरीदने कहती है, चॉकलेट दी तो आइसक्रीम मांगती है। स्कूल जाने के लिए साइकिल मांगती है, साइकिल दी तो ऑटो से जाऊंगी कहती है। अरे खाना खाने के वक्त भी कंफ्यूज करती है, रॉन्ग डिसीजंस लेती है। मेरी बात सुनो, लाइट जलानी हो तो टीवी का बटन ऑन नहीं किया करते। जिंदगी भर ऐसे रॉन्ग बटन दबाती रही तो तुम्हारी जिंदगी रॉन्ग रूट में चली जाएगी, याद रखना। पानी पीजिए पापा। लेक्चर बंद कर दूं? मैं नहीं पापा, क्लास कंटिन्यू रखिए। उसकी जिंदगी है, अगर माँ होती तो उसके आंसू पोंछती। अगर माँ होती तो, अगर माँ होती तो। थैंक यू पापा। कृष्णा, कल को उसकी ससुराल जाकर भी मैनेज करेगा क्या? इसलिए उसे अभी सुधारने की कोशिश करो। वैसे आपका प्रोग्राम क्या है? और क्या होगा? बॉल में फुल हवा भरना और शाम तक उसे लाते मारते रहना। तू घर की सफाई कर मेरी माँ, मेरी नहीं। अरे नाश्ता तो करते जाओ। नहीं भाभी, लेट हो रहा हूँ। लिफ्ट 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 लिफ्ट। तेरे की कैसे इंसान है। लिफ्ट लिफ्ट। लिफ्ट चाहिए? नहीं, जाने दीजिए। कहाँ जाना है? फुटबॉल ग्राउंड जाना। बैठो, इट्स ओके। आज की डेट और टाइम डायरी में नोट कर लेना। वो क्यों? आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। वो कैसे? आपके पीछे बैठने वाला दी ग्रेट फुटबॉल प्लेयर रामकिशन, जस्ट आफ्टर वन ईयर आपने मुझे लिफ्ट दी, सोचकर आपको गर्व होगा। तुम नीचे उतरो। क्यों, ऑटोग्राफ चाहिए क्या? ए, तुम्हें उतरने बोला ना। पीठ घुमाकर बैठ जाओ। उस तरफ मतलब? बैठ जाओ। सुनिए जी, जो देखेगा हंसेगा। जुदा हुए लवर या तलाकशुदा पति पत्नी समझेंगे। ये सिचुएशन काफी डावाडोल लगती है। After one year, उन्हें कुछ कहने के लिए टॉपिक चाहिए ना? कोई बात नहीं। कहाँ फंस गया यार? बस यही रोक दीजिए, यही रोक दीजिए। थैंक यू जी। हेलो, 500 रुपए निकालो। किस लिए? लिफ्ट का जी, पेट्रोल के 200 रुपए, तुम्हारी बकवास सुनने के 300 रुपए। दो। आपकी लिफ्ट तो काफी कॉस्टली है।
मेरा पर्स खो गया है। नेशनल लेवल के खिलाड़ी बनोगे ये पता नहीं, लेकिन इंटरनेशनल डायलॉग अच्छे भूल लेते हो। पर्स खो चुका है, बहानेबाजी। ये लो रख लो। थैंक यू जी। आफ्टर वन ईयर लोग इसके बारे में भी बोलेंगे। मुझे अपनी तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं। आओ बच्चों, घर कैसा लगा? दादाजी ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुझे कैसा लगा? दादाजी मुझे और मेरी गुड़िया के लिए एक रूम चाहिए। हाँ, मिलेगा मिलेगा। सुनो बेटे, वो तुम्हारा रूम है, और बेटे तुम्हारा रूम वो है, और छोटू तुम्हारा रूम ऊपर है, अटैच बाथ, खूबसूरत कमरा है। थैंक यू पापा। माले, इससे कमरा किस लिए चाहिए? बीबी है ना, बच्चा है, बॉल लेकर हमेशा बाहर घूमता रहता है, ये तो कहीं भी पड़ा रहेगा। तुमने मुझे घर से बाहर निकलवाने की ठान रखी है क्या? तुम्हारे घर से निकलने तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। गलत सोच रहे हो बच्चे, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। करो खींचा तानी। पिताजी सबके रूम दिखा चुके हैं, लेकिन कविता का रूम का? मेरा रूम? मेरा एक घर है, उसमें मेरा बेडरूम भी होगा और बाथरूम भी बहुत बड़ा होगा। अच्छा, तेरा घर भी है? कहाँ है तेरा घर? अभी नहीं है, लेकिन शादी के बाद तो होगा ना। ओहो, गेट से लेकर दरवाजे तक हाईवे जितनी जगह, महल जैसा घर होगा। घर के आगे चार चार कारें होंगी, पूरे घर में नौकर चाकर होंगे। आप सब आएंगे तो आपके लिए गेस्ट हाउस भी होगा। अरे 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 अरे, कैसा चल रहा है चाचा जी? बस सब ठीक चल रहा है। काफी कमजोर लग रहे हैं आप। नहीं तो ठीक हूँ, क्या बात है, तुम यहाँ पर? कुछ नहीं चाचा जी, हमारे जैसे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए आप जैसे लोग जो हैं। तुम पर ऐसी कौन सी परेशानी आई अब है? ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, छोटी सी है। मेरे ओनर से आपने जो घर खरीदा उसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा? क्यों, सारा पैसा तो दे चुके हैं। सही कह रहे हो, मैंने ना नहीं किया, एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। वो क्या है, प्रोजेक्ट बनाने से पहले सेंटर में एक छोटा सा पार्क बनाने के लिए सारे लोग कह रहे हैं, अचानक जमीन की रेट बढ़ते ही पार्क की बात सब भूल गए। अब रट लगा रहे हैं कि जब तक पार्क नहीं बनेगा बाकी पैसा नहीं देंगे, मेरा तो लॉस हो जाएगा ना। हाँ आप बताइए ना। तो क्या हमारा घर तोड़ दोगे? अरे इतना सीरियस मत हो भाई, पीछे बैकग्राउंड तो देख लो, मैं मुफ्त में नहीं तोड़ने वाला हूँ, इसका एक्स्ट्रा पैसा भी दूंगा। इतने लोगों में हम ही मिले हैं क्या? देखो भाई, डराने से जो डर जाए वो इज्जतदार होते हैं। चाचा जी वीक पॉइंट ढूंढने निकला तो वो घर आपका ही मिला मुझे। तो क्या घर तोड़ दोगे? तोड़ दोगे? अरे अरे, 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 अरे क्या करे क्या करे, रुक जाइए भैया, भैया रुक जाइए, समझदारी से काम लीजिए। वो सामने देख रहे हैं, वो गाड़ियां देखिए, इनकी बॉडी देखिए, मार पाएंगे हम इनको, जो कह रहे हैं कर लीजिए। छोटू तू इस मामले में मत अंदर जाइए, मेरी बात आप कहना नहीं मानेंगे। वो जाइए ना, जाइए जाइए अंदर जाइए। अब सर लफड़ा क्यों करते, आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। आप जाइए सर, मेरे घर वालों को मैं समझाता हूँ, प्लीज। भाई जाइए भाई, मैटर सेटल हो गया, प्लीज सर आप भी जाइए। थैंक यू सर, भाई थैंक यू। अच्छा डराया भाई, उसकी तो पैंट गीली हो गई। गीली उसकी नहीं हुई, थोड़ी देर और रुकते तो हमारी हो जाती। समझा नहीं भाई, उसके हाथ लगाते ही शरीर में ऐसी कपकपाहट हुई थी जैसे जान निकल गई। जगह खरीद सकते हैं लेकिन जान नहीं खरीद सकते। चलो। क्या भाई आप भी, आप तो मेरा कहना ही नहीं मानते, मैं तो उसे वहीं पर काट देता। ए, तुम्हारी समझ में नहीं आया भाई। भाई भाई ये तो सारा डायरेक्ट घर में ही आ गया। ए, रुक। आओ भाई आओ बैठो। ये सब गुंडागर्दी किस लिए? हाँ इन गुंडों के खाने का खर्चा,
सैलरी का भी खर्चा, गाड़ियों में ऑयल का खर्चा, इस सब के बाद भी अगर मैंने तुम्हें मारना शुरू किया तो बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है, सारा मामला तो वही खत्म हो गया ना, घर पर लफड़ा किस लिए? तुम्हें वही मारा होता तो मेरी वजह से मेरे घर वाले लफड़े में फंस जाते, और आज अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरे जैसे कई लोगों के घर जाओगे धमकी देने। मतलब क्या है तेरा, मार देगा क्या? तेरी जात का तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने आपको मारने की धमकी दी है, मारने की बात की एक बार ठीक है, लेकिन इसने आपको नाम मत कहा, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। भाई मुझे छोड़िए भाई, मैं आपके हाथ में हूं, मुझे अंदर। अरे मैं अंदर क्यों जाऊं? जाइए भाई, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। भाई जाइए प्लीज, आप आराम से अंदर चाय पीते पीते टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखते रहिए, मैं उस साले के टुकड़े टुकड़े करके बैग में भरकर आपको तोहफा दे दूंगा। सुन रहा, आप जाइए अंदर, मैं उससे बात करूंगा। जाइए, ए दरवाजा बंद करो रे, ए साले क्या है, क्या ये हां उसे देख रहा है, कितना है वो चाराने जितना है, चाराना, और तू चाराने की मुर्गी को बाराने का मसाला लगाने जा रहा है, तुझे अकल है या नहीं? हाँ, हाथ ऐसे उठाने का और ऐसे मोड़ने का और घुमाकर ऐसे पेट पर जोर से देने का ना, उसे फटका लगना चाहिए कि वो सीधा ऊपर चले जाने चाहिए, क्या समझा? हाँ समझ गया ना, चल जा मार उसे। अरे बाप रे, आओ चाचा, आओ आप जाइए, आराम से बात करते हैं। बहुत सिर पर आदमी है भाई, तुम लोग जीना चाहते तो गलत नहीं है, दूसरे की जान लेना गलत है, इंसान से प्यार करना सीखो, डरना कितनी बड़ी गलती है खुद समझ जाओगे। देखो चाचा, मारने के लिए पैसे देने पर बहुत सारे गुंडे आएंगे, मरने के लिए सिर्फ प्यार करने वाले ही आते हैं, सो ट्राई टू लव, ओके? दोबारा मेरे साथ कभी ऐसा मत करना, मेरी फैमिली मेरी जान है, उनकी सेफ्टी के लिए लफड़ा नहीं करता, हर किसी के आगे सर झुकाकर सलाम करता हूँ, लफड़े पर उतर आया तो 10, 20, 30, 100, 1000 चाहे जितने भी आ जाएं, कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा, एक एक का सर काट कर रख दूंगा मैं। हमारी तरफ न्याय है, उसे बचाने के लिए जनता है, कानून है, ये सब जानते हुए भी गुंडे की तरह मारामारी करने की क्या जरूरत थी? मुझे पता था ये लड़का इस घर को बर्बाद कर देगा, आज तो इसने हद ही पार कर दी, अब वो 100 आदमियों को लेकर हमारे घर आएगा तो हम सबका क्या होगा? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते सर, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, हमारे लड़के ने आपके घर जाकर जो भी किया उसके लिए माफ कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी फाइट पसंद आई या तुम्हारा फेस पसंद आया या तुमने मुझे जो क्लास दी वो पसंद आई मैं नहीं जानता, मेरी बेटी अगर शादी करेगी तो तुम्हारे साथ ही करेगी, वो फैसला कर चुकी है, हाँ कहकर आया हूं, ना मत करना। आप सब मेरे घर आकर एक बार मेरी बेटी को देख ले तो फिर हमारे बेटे को भी पसंद आनी चाहिए। बेटा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ने का मौका मुझे तुमसे ही मिलेगा,
मेरी बेटी से एक बार बात करके देखो, तुम्हें पसंद आई तो हम बात करेंगे। कल दोपहर को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए बातें कर लेना, समझी जी? बच्चा बहुत सख्त है, आप इसे समझा कर भेज दीजिएगा। ठीक है, अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, जरूर आना। देखो कृष्णा, एक बार जाके देख लो, पसंद आई तो ओके कह दो, नहीं आई तो ना कह दो। बिना देखे कहता हूँ नो। अरे वाह, खुद को बड़ा हीरो समझता है। तुझे तो उस लड़की को पहले देख तो ले। अरे मेरी छोड़, अपनी सोच। शट अप। तुम सबसे कह देता हूँ, मैं ये शादी करने वाला नहीं हूँ। अरे 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 हेलो, कौन है? मैं सुचित्रा बोल रही। हाँ बोलो। आज रेस्टोरेंट में प्रोग्राम है। हाँ है ना, वो 2 बजे की जगह 1 बजे का, यही ना? अरे मैं मैनेज कर लूंगा सिस्टर। थैंक यू। पता नहीं कैसी होगी। आप? मैं रामकृष्ण। ओह मैडम, आपका इंतजार कर रही है। सर प्लीज कम। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने तो उस दिन लिफ्ट दी थी ना मुझे। सिट। ओके। हाय, आई एम सुचित्रा। सच कहूँ तो उस दिन आपको देखकर फ्लैट हो गई थी। मेरे कहते ही आप पीछे घूमकर बैठ गए थे, मुझे वो स्टाइल बहुत पसंद आई। और सबसे बड़ी बात, आपने इतना निडर होके मेरे डैड का सामना किया, इसीलिए शादी का प्रपोजल रखा है उन्होंने। आप क्या लेंगी? मैंने ऑर्डर कर दिया है, आपको बिरयानी पसंद है ना? किसने बताया? डैड ने बताया। लगता है सब कुछ बता दिया है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं पसंद तो हूँ ना, मेरा प्रपोजल ओके है ना? उस दिन तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे और आज इतना शर्मा रहे हो। अपना मैटर तो ओके है ना, वरना आफ्टर 1 ईयर कहोगे क्या? मामा भांजे, बिरयानी पसंद आई ना? ओके कहा ना? थैंक्स। किस लिए? डायरेक्ट मुझसे ना कहकर अपने मामा से तो ओके कहा ना? वो तो कोई बात नहीं, रोज मिलेंगे ना, बाद में बोल देना। आप गलत समझ रही है, मैं खाइए ना। मस्त बिरयानी थी ना? बिरयानी। बोलिए अंकल। क्या हुआ बेटा, अभी तक मिलने नहीं गए? क्या बात कर रहे हैं अंकल, अभी भी तो हम लोग साथ में ही हैं। बस भी करो बेटा जोक मारना, वो टेबल नंबर 10 पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए, तुझे तो मैं हाय, प्लीज। सेम लग रही है। यहाँ तक आए थैंक्स। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। आपको बिरयानी पसंद है ना? पिताजी ने बताया। बता दिया? एक्सक्यूज मी सर। मेरा प्रपोजल पसंद है। हेलो। बिरयानी मत बोलना मुझे, ओके? ओके यार। ओके ना? थैंक यू सो मच। ओके बोला। सुनो मामा, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, मिलना किसी से था और मिल किसी से लिया हूँ। ऐसी गोली दी है कि मैं खुद ही गोल हो गया हूँ। इतनी बात के लिए इतना परेशान हो रहा है, आज से इधर शिफ्ट हो जा। ये खींच के दूंगा ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो तुम्हें फोन करती है और तुम प्रोग्राम बना लेते हो। वो मुझे सगे भाई जैसा मानती है। क्या कहा तुमने? तुम्हें अपना भाई मानती है, ब्रोकर समझती है। तू मत कर दिया। तूने मुझे ब्रोकर कहीं क्या कहा? मैंने तेरे पास से क्या लिया है? पैसे दिए क्या तूने? दारू पिलाई क्या? यहाँ बची हुई बिरयानी भी खिलाई क्या? मुझे तूने ब्रोकर कहा? ए, सबके सामने ये सच्चाई जाकर फाट फाट बोल के आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम बैंड चाहिए नहीं। अरे तेरी तो, अबे रोक रोक। अरे लगता है इसे गुस्सा आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे इतनी बड़ी बात करके भाग ले मामा, रुको बेटा, नहीं तो नहीं बचेगा। आजा आजा पकड़ ले मामा, रुक जा। ए लड़की, ये लड़की, रुक। ए लड़की रुक जा। लड़की मैं नहीं हूं, रुक, मैं नहीं हूं। ए कहां गई? अरे आप बता,
बिरयानी के बिल के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करेगी। घर को म्यूजियम बनाकर रखा है। चोरी करने के लिए तुझे मेरी चीजें मिली थी क्या? पागल तो नहीं हो गई तू? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया है। तुम जहाँ फुटबॉल खेलते थे मैं वहाँ रोज जाती थी। ग्राउंड खाली अच्छा नहीं लगता, इसलिए पैसे देकर लोगों को लॉरी में लेकर आने के लिए बोलती थी। जिस बॉल से तुम प्रैक्टिस करते थे उसे मैं लेकर चली गई थी। थिएटर में तुम्हारे बगल वाली सीट नहीं मिलती थी तो मैं ब्लैक में खरीदती थी, लेकिन बैठती तुम्हारे पास ही थी। तुम फिल्म देखकर एंजॉय करते थे और मैं तुम्हें देखकर एंजॉय करती रहती थी। बाइक की हवा निकालकर तुम्हें लिफ्ट देना, तुम्हें पीछे घुमाकर बिठाना, तुम्हारी पर्स को चोरी से निकाल लेना, और एक बार तो तुम्हारे घर जाकर टी शर्ट उठा कर ले आई थी। पूरे एक साल परछाई की तरह तुम्हारे पीछे घूमती रही। बताओ ना क्यों? बता चुकी हूँ ना, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ मैं। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम मेरी जिंदगी बन चुके हो। मैं बताना चाहती थी लेकिन डर लगता था कहीं तुम मना ना कर दो। इसका मतलब तुमने दूसरी लड़की को मुझे चेक करने के लिए भेजा? हाँ, भेजना पड़ा। तुम किसी और लड़की के साथ शादी के लिए तैयार हो गए थे तो कैसे चुप रहती? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास सिर्फ मैं रहना चाहती हूँ, किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, मेरा वाला प्यार 100% सच्चा है। अब तुम बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ? पक्का पसंद हूँ ना? मेरी जान, मेरी जान है तू, जान है तू, मेरी जान है तू, अब मेरी पहचान तू, हाँ मेरा ईमान तू। दिल पर नाजनी अक्सर हम सोचा करते हैं ये तू मेरी जिंदगी है। जानम दिल नशी तुझे पाया करते हैं है, तू मेरी आशिकी। रच गई, बस गई, बस गई है मेरी सांसों में तू, अक्सर तो आ जाती है मेरे ख्वाबों में तू। देख के तेरी मस्त नजर नहीं दिल पे रहे काबू, हर दम हर पल तू ही तू मेरी नजरों में तू। हाँ मेरी जान है तू, जान है तू, मेरी जान है तू, है दिल के दरमियान तू, जान के भी अनजान तू। जादू जगाए दीवाना बनाए जानम जलवा तेरा, तुझ पे फिदा है अब तो हुआ है मेरा सब कुछ तेरा। तू जान ले पहचान ले मैं हो गया दिलबर तेरा, होश गवा बैठा अपना मैंने जब से तुझको देखा। ये तो बता मेरी चाहत का तुझ पे असर है क्या, मेरे दीवाने पन की तुझको खबर है क्या। हाँ मेरी बेचैनी की तुझको खबर है क्या, जितनी तड़प मेरे दिल में है बोल उधर है क्या। जादू जगाए दीवाना बनाए जानम जलवा तेरा, तुझ पे फिदा है अब तो हुआ है मेरा सब कुछ तेरा। तू जान ले पहचान ले मैं हो गया दिलबर तेरा, होश गवा बैठा अपना मैंने जब से तुझको देखा। ये तो बता मेरी चाहत का तुझ पे असर है क्या, मेरे दीवाने पन की तुझको खबर है क्या। हाँ मेरी बेचैनी की तुझको खबर है क्या,
इतनी तड़प मेरे दिल में है, बोल उधर है क्या। हाँ मेरी जान है तू, जान है तू मेरी, जान है तू अब मेरी पहचान तू, हाँ मेरा ईमान तू। सरप्राइज। क्या बात है, अचानक लगेज के साथ आ गए? अंजलि यहाँ वन वीक या वन मंथ रुकना पड़ेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुमसे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझसे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो ये ध्यान। मेरी हेयर स्टाइल देखी मामा? देखा ना? यस सर। कांग्रेचुलेशंस, नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट हो गए। थैंक यू थैंक यू। हटो हटो, वहां देख। आइए चल। कौन है वो? मिनिस्टर का बेटा, जयराज। मिनिस्टर का बेटा है? लफड़ा क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, उसने गाड़ी में बैठने को बोला, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा भैया को, तेरा भाई लॉर्ड है, गार्ड है या बॉडी गार्ड है, क्या कर लेगा वो, यही कहा ना उसने, है ना? करेक्ट, यही बोला उसने। अब तुम घर जाओ, उसे मैं संभाल लूंगा। ओके। तुम यही रुको। मिनिस्टर का बेटा है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगा क्या? धोखे रख देना साले को। वो बात नहीं है शंकर, इस बार 25,000 लोग तो मीटिंग में आने ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। बोलो बेटा क्या बात है? छोटी सी बात है अंकल, मेरी बहन को आपके बेटे ने गाड़ी में बैठने के लिए कहा। तो क्या तू यहाँ लड़ने के लिए आया है? नहीं नहीं, मैं क्या लड़ूंगा अंकल, लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है, जस्ट सॉरी कहने के लिए आया। यहाँ सॉरी से काम नहीं चलेगा, सुना है बहुत बुरा भला कहा है उसने, लंबी जुबान हो गई है क्या उसकी? सुनो, गुस्सा आया ना तो उसे उठवा लूंगा, जाकर बोल दो उसे। अरे मार्केट में जाते हैं तो फूलों को देख कर उसका दाम नहीं पूछते क्या? आम को खरीदते समय उसका रेट नहीं पूछते क्या? इसी तरह हम जिसे पसंद करते हैं उसे गाड़ी में बिठाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं अंकल, जब वोट खरीद सकते हैं आम और फूल क्यों नहीं खरीद सकते? लेकिन वो लड़की है ना अंकल, उसका रेट नहीं पूछते, सब मेरी तरह सॉफ्ट नहीं होते हैं ना, अगर किसी ने गुस्से में मार दिया ना तो जिंदगी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगी अंकल। डरा रहे हो क्या? छी, डरा नहीं रहा हूँ अंकल, मेरे घर के सामने यूथ लीडर जयसिंह जिंदाबाद लिखा है, बोर्ड भी लगा हुआ है सर, जब वही नहीं रहेगा तो बोर्ड का क्या करेंगे सर? उस पर माला तो डाल सकते हैं लेकिन आम लाकर तो नहीं खिला सकते ना अंकल, उसे और जीना चाहिए, यही मैं भी चाहता हूँ। यूथ लीडर जय सिंह जिंदाबाद, यूथ लीडर जय सिंह जिंदाबाद। अच्छा ठीक है जाओ। अंकल मेरी बहन को माफ कर दिया ना? घर के सामने बोर्ड है बोलना। हाँ? कोई डर नहीं है उसको, मैं समझा दूंगा। हाँ? तुम जाओ। चलता हूँ अंकल। एए, उसे कहना बार बार इसके सामने ना आए, वो कब कौन से मूड में होता है कोई नहीं जानता, असल में वो एकदम पागल है। कह दूंगा अंकल। उसके बेटे को मारने की तैयारी में गया था ना, उसे माफी मांग ली तूने? हाँ मामा, अगर सबसे दुश्मनी करता गया तो आखिर तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा ना, ये मेरी बात होती तो मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन बहन के लिए अपना सर झुका भी सकता हूँ, वो मेरी कमजोरी है, वो जब भी गलती किया करती थी तो मैं सुधारा करता था, लेकिन उसने गलतियां करना कभी नहीं छोड़ा। आओ बेटा, हम दोनों किस घड़ी में मिले पता नहीं, लेकिन अपने घरों के बीच रिश्ता बढ़ता जा रहा है, मेरे बेटे को तुम्हारी बहन पसंद आ गई है, इसीलिए रिश्ते की बात करने आए हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? तूने इसके लिए ही जन्म लिया है भांजे? जल्दी से कोई प्लान बना कर इसको अपने साथ ले जा। उसकी जरूरत नहीं है, ये शादी नहीं होगी। उसकी मूछें जो नहीं है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। क्यों सविता, उसे देखा तूने, तुझे पसंद आया क्या? कैसी बातें कर रहा है, पसंद नहीं आता तो बालों में फूल क्यों लगाती है? बड़ा बंगलो, कार, घर घर में नौकर, ऐसा ही रिश्ता चाहिए था ना इसे, वो मिल गया, अब ये ना थोड़े ना करेगी। तू एक बार फिर से सोच ले, उसकी मूछें नहीं है, बिना मूछ वाला तुझे पसंद नहीं है ना? मूछों का क्या है भैया, 5 दिन में आ जाएंगी। तो चल बेटी, चल हट यहाँ से, खुद के साथ साथ बहन को भी बिगाड़ रहा है।
चलते, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चाहिए, लेकिन शादी की बात आती है तो एक बार भी नहीं पूछा। पसंद आ गया, पसंद आ गया। आखिर दूल्हा जो मिल रहा है। ए, रुक 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 रुक, तू यहाँ क्या कर रही है? अपना प्यार आगे नहीं बढ़ रहा है ना, इसीलिए आगे बढ़ाने आई हूँ। तुम्हारे पिताजी अंदर है क्या? रुक जा, रुक जा। अरे इधर इधर इधर। अरे छोड़। पहले से ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तू ये फोटो यहाँ पर क्यों लाई है? इस फोटो में ये सब क्या है? हाँ, तू पागल तो नहीं हो गई? साथ में एक बच्चे की भी फोटो लगवाने वाली थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। एक गुस्सा आ रहा है ना, एक साल से पीछा कर रही हूँ तुम्हारा। हाँ है या ना है? ना कहूँगा तो मैं ये भी साबित कर सकती हूँ कि हमारा हनीमून भी मन चुका है। अब तुम अपनी बकवास बंद करो। पिताजी कहाँ पर है? यस कहूँगा तो भाई, यस कहूँगा तो शाबाश, तुम सबको मनाकर मुझसे शादी करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मामा, अब मुझसे ये सब नहीं होता यार, घर में अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। कैसे यार, घर वाले तो उसका रिश्ता मान चुके हैं। फिर भी अगर मैंने शादी के बाद ये बात बताई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मेरे प्यार की वजह से बहन की शादी टूट जाएगी। मैं कोई दारू पी करके यहाँ बेकार की बातें करे नहीं आया हूँ। तुम्हारा बेटा दूसरी लड़की के साथ घूमता है, मैंने देखा है उसे। आप चाहे कुछ भी कहे, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। मैंने जो कुछ भी देखा वो कोई फिल्म का सीन था। देखो, दुनिया भर में मैं दादागिरी करता फिरता हूँ, लेकिन अपनी बेटी के प्यार में फंस करके तुम्हारी फैमिली को नहीं जान पाया, ये मेरा बैड लक है। मेरी वीकनेस को देख करके तुम्हारा बेटा मेरा मजाक उड़ा रहा है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया भी तो हमें जरूर बताएगा। सुनने के बाद भी आप उसका साथ दे रहे हैं? आप उसके फादर के ब्रोकर हैं? ए, बकवास बंद कर और अपनी जबान बंद रख। ओ बच्चे, ज्यादा गुस्सा मत करो। लो आ ही गया वो, अब जरा उसी से पूछ लो हकीकत क्या है। क्या है ये सब? ये जो कह रहे हैं सच है? कौन है वो लड़की? माने की जरूरत नहीं है बेटा, ईमानदारी से बता दो, मेरी बेटी से शादी करके उसे रखेल बनाएगा या उसे शादी करके मेरी बेटी को रखेल बनाएगा? कृष्णा, तू बोलता क्यों नहीं है? पापा, पापा, वो कविता क्यों, क्या हुआ उसे? कपड़े की दुकान में गई थी, वापस लौटी ही नहीं, फोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। वाह भाई, इस कैरेक्टर का भी अपना एक अलग पेज लगता है। अच्छा हुआ कि शादी से पहले उसका कैरेक्टर पता लग गया। आखिर है तो इसी भाई की बहन ना, भाग गई होगी किसी के साथ और। मुझे कहा तो चुप रहा, लेकिन मेरी बहन के बारे में कुछ गलत कहा तो बॉडी के सारे मूवमेंट बंद कर दूंगा। सलीके सलीके से बात करना सीखो। तू मुझे तरीके से बात करना सिखा। रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। यहाँ झगड़ा मत कीजिए सर, 10 सालों से हम लोग यहाँ रह रहे, इज्जत से रह रहे, हमारी इज्जत के लिए प्लीज सर। जाकर पता लगा तेरी बेटी किसके साथ भाग गई है, समझ गया? आज फांसी लगा कर मरेगा या लोगों की थूथू सुनने का फैसला कर ले तो समझ। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। कविता से प्यार? इस कॉलेज में उससे प्यार करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। बाप, आप यहाँ क्यों आए हैं भाई? मेरी बहन कहीं खो गई है भाई,
उस दिन अनजाने में जो कुछ हुआ उसके लिए। उस दिन आपने जो शौक दिया था उस दिन से मैं आपको आपकी बहन सबको भूल गया। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हाँ, और आपकी बहन दिखाई देगी तो मैं खुद आपके पास लेकर आऊंगा, मुझे भरोसा कीजिए भाई। बार बार उसके सामने ना आए कह देना उसको, वो कब किस मूड में होता है पता नहीं चलता। असल में वो एक पागल है। भांजे। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते भाई। पार्टी बहुत शानदार। जाओ जाओ एंजॉय करो। जाओ देखो सब चीज का ध्यान रखना। जी सर। आइए आप। जन्मदिन मुबारक हो सर। मेरी बहन कहाँ है? आज मेरा जन्मदिन है रे, सब लोग मस्ती से एंजॉय कर रहे हैं, तेरी परेशानी क्या है? तेरा बेटा कहाँ है? ज्यादा शनपट्टी कर रहा है, तुझे पहले भी बता चुका हूँ। वो कब कौन से मूड में होता है पता नहीं चलता। वो उसे लेकर गया होगा तो कल आ जाएगी। जा यहाँ से। मार दो इसको, मार दो इसको रे। मैं नहीं जानता, इतने दिनों तक मैं अमेरिका में था, आज ही आया हूँ। माँ कसम मैं कुछ नहीं जानता। बेटा वो सच कह रहा है, बेटा वो आज ही आया है, उसे कुछ नहीं पता। बेटा राव, क्या तकदीर है मेरी, किस गलती की मुझे सजा मिल रही है? कम से कम वो कहीं ना कहीं जिंदा होगी ये उम्मीद तो है, लेकिन तुझे देखकर लगता है बहन के लिए किसी को मार देगा या खुद ही मर जाएगा, ये सोचकर हम सब डर रहे हैं। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तूने अब तक एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए दिन रात मेहनत की और अब मौका मिला है तो तू सब कुछ भुलाकर दीवानों की तरह दर दर भटकना चाहता है, ये सब क्या है छोटे? जो होना था वो हो गया। तेरे इस तरह सब कुछ छोड़ के भटकते रहने से कविता लौट कर तो नहीं आएगी। तेरी दिल्ली जाने का लास्ट चांस है, बेकार अपना कैरियर खराब मत कर, चल जाने की तैयारी कर। इसकी बात मान ले छोटू, हम सब तेरी भलाई चाहते हैं, अपने पसंदीदा खेल के लिए ही सही तू चला जा यहाँ से। बोलता क्यों नहीं रे, तुझसे पूछ रहा हूं, अगर तू नहीं गया तो तुझे मेरी कसम। Huh?
केशव ठाकुर की पत्नी घर छोड़कर भाग चुकी है ये लोगों को पता चला तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। मर चुकी है वो, ऐसी खबर फैला दो। जाओ पकड़ो उसे। बातें बताती थी लेकिन प्यार की बात नहीं बता पाई। उसका नाम केशव ठाकुर है, गांव गंगाघाट, जिला कानपुर। बदतमीजी की थी उसने, इसलिए शॉपिंग मॉल में मैंने उसे एक चांटा मारा और फिर मैंने कहा यही मार डालूंगी। मार खाने पर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, पागलों की तरह पीछे घूमने लगा। उसकी सिंसियरिटी पर भरोसा करके मैंने भी उसे प्यार किया। अरे हेलो, मैं उससे शादी करना चाहती थी ये मैं बताना चाहती थी, लेकिन सब परेशान हो जाएंगे इसलिए मैं चुप रही। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। शादी करके उनके घर गई। वो घर कैसा है जानते हो भैया? वो सिर्फ घर नहीं, एक बहुत बड़ा राजमहल है। हम जो कहता हूँ उसका उल्टा मत कहो। दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने जैसा कहना ही हमारी आदत है। हमारी बात माना तो बच जाएगा, वरना जान खो देगा। ई हमरा सिद्धांत है। आओ बिटिया, आओ आओ बिटवा आओ। बहुत सुंदर है, कहीं हमरी नजर ना लग जाए। माई तनिक देखो तो, हमरी पोहरिया आई है, नया सिक्का की लक्ष्मी देवी की तरह चम चम चमक रही है। ऐसा क्या देख रही हो बोहरिया? अपने ससुर जी के पैर छुओ।
बेटवा के गाल पर मार कर अब हमरे पैरों पर गिर पड़ी है। तेरी वजह से इस शहर में हमरा नाम खराब हो गया था। सैया घसीट क्या? चित्र निकाल के कहानी लिखा था ना? बोल बोल। मैं कुछ नहीं जानता मालिक, मुझे छापने के लिए कहा, मैं छाप दिया मालिक। ए दिखा रहे इसको, चल पढ़ पढ़ पढ़। बेटे के गाल पर लड़की का चांटा, बाप की इज्जत पर चप्पल का चांटा। यही 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 तोहरा चांटा हमारी इज्जत को पूरे गांव में बदनाम कर रखा है ससुरी, आज तो इन्हें छोड़ा। मुझे छोड़ दीजिए मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मालिक मालिक। खत्म किया, तुझे भी खत्म करवा था। ये हमरा बेटवा हमको बोला कि बाबूजी, उसके गले में मंगलसूत्र डालकर इस घर की बहू बनाऊंगा, जिस मुंह पर मारा उसी मुंह का झूठा खिलाऊंगा बोला, थूक तभी हमरे इस दिल को शांति मिलेगी बोला। इसलिए तू मरेगी नहीं, तू जिंदा रहेगी जरूर, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, जिंदा लाश। याद रखना, भूलना नहीं, इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। चल जा। केशव, ये सब क्या है? ससुर जी ने मुझे इतना कुछ कहा और तुम चुपचाप यहाँ खड़े हो? अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। चाटे का बदला तेरी जिंदगी को नरक बना देगा। दादी माँ, आप ही बताइए, मैं इस घर की बहू हूँ ना? धोखा खाया भैया, कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की मैंने, पर कर नहीं पाई। बैठू तो गलत, खड़ी रहूं तो गलत, यहाँ तक के रोने के लिए और मरने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। आप सबका प्यार पाने वाली आज मैं अपना ये दुख बताने के लिए तड़प रही थी भैया। मुझ पर एक एहसान करोगे? सिर्फ एक बार मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज भैया, मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज। नहीं मालिक। ए, जो डर कर भाग गया वो अधमरा होता रे, अधमरे को अब हम कहाँ मारूंगा? आकर हमारे पैरों पर गिर जाओ, हम माफी दे दूंगा, सबको छोड़ दूंगा। वो जिस घर में भी छुपा है उसे निकाल दो, वरना तुम सबका घर में आग लगा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। लगता है आग से डरा कर सबको डरा दिया। माफ कर दूंगा, क्या होगा? ये बड़ा साहब जबान का पक्का है, ऐसा सब समझता है। ये बात का फायदा उठा के कल कोई और भी ऐसा करके पैरों पर गिरकर माफी मांगा तो हम क्या करूंगा? इसीलिए ये सब झेलने से तो जबान से मुकरना ही ठीक होगा। चौथे वाले को भी ले आओ। अरे उसे भाग रहा है। अरे
बेटों की राख बची है ना, उसके लोगों की राख भी नहीं बचनी चाहिए। मार डालूंगा सबको। बस रुक जा, वहां तीनों को ही मारा, चौथा क्यों डाल रहा है? तुझे मारकर डालूंगा भाई। ये क्या हो गया बचवा? इस बार बलि का हंडा बच गया। ये घर को किसी की नजर लग गई है, सारा काम बिगड़ गया। का कह रही हो माई? का करे रे बचवा, बलि का हंडा बच गया है। घर की बहुरिया घर छोड़ के भाग गई। ये सब होना इज्जत और जान के लिए खतरा नहीं है क्या? बहुरिया भाग गई है? ए बुढ़वा केशव को बुला। क्या रे, तेरी बीबी कहाँ चली गई? तू सर क्यों छुपा रहा है? ये बता बेटा, हम सर कहाँ छुपाओ? एक काम कर, हमको मार कर वो पानी तू डाल ले। घर में इतने लोगों के होते हुए भी घर से भाग गई तू, मतलब यहाँ कोई तेरी मदद कर रहा है? बोलो कौन है वो? कौन है री वो? बोल बोलना। कोई नहीं था, मैं अकेली गई थी। झूठ बोलती है। आपका नाम सुनते ही पूरे गांव के लोग डरते हैं ना? अरे तो खुद का नाम क्यों खराब करते हैं? ये क्या कह रहा है तू? हाँ दादू, मर्दानगी के लिए मशहूर हैं आप। एक औरत को मारा तो लोग थूकेंगे, खुद अपने नाम को मिट्टी में क्यों मिला रहे हैं? सच कहा तूने, इसकी वजह से आज बच गई तू। जा अंदर जा, चल। चलता हूं दादू। ए रुक, मेरी इज्जत बचाया तू, क्या चाहिए तुझे? रुपया, घर या खेत? बेजू यादव का सर। क्या बोला? बैजू यादव का सर। बैजू यादव का सर? तू उसे क्यों मारना चाहता है? दुश्मनी है, उसने मेरे दादाजी को मारा था, उसका सिर काटकर अपने दादाजी की समाधि पर रखूंगा। शाबाश शाबाश रे, एकदम सही जा रहा है, तुझे यही रहना चाहिए। इन सबसे तो तू ही अच्छा है। वो फिर से भागने न पाए, और मेरी इज्जत के बारे में तू ही सोचना। ए, आज से ये यही रहेगा मेरा दादू का आदमी बनकर। ए हसन, मेरा नाम पुष्पक हसन है, मेरी माँ कमला हसन की फैन थी। फिल्म पुष्पक के रिलीज के वक्त मैं पैदा हुआ था, इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम पुष्पक हसन रख दिया। लेकिन बहुत होशियार हूँ, इस बुड्ढे का राइट हैंड हूँ मैं, और मेरा लेफ्ट हैंड फ्री है। ए, तू मुझे झटका देगा, उससे पहले मैं तुझे झटका दे दूंगा। झटका झटका झटका। इसका बाप भी अच्छा होगा, इतना किया तो भी चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं, पोज मार रहा है पोज। हाँ ये है, इसी कमरे में रहना है तुझे। अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। क्यों मजाक करते हो? तुमने कहा था बैजू यादव के लिए आए हो। वो झूठ था, ये सच है। पर तुम मेरे लिए क्यों आए हो? दुखुआ देख के, इतने सालों से काम कर रहे हो तभी एक नौकर की पोस्ट पर ही हो, बदलना चाहिए। देखना जल्दी तुम यहाँ के मालिक बनोगे, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनूंगा। यहाँ पर काम करने वालों में से एक उस बैजू यादव का आदमी है, उसे पकड़ लोगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। कौन है वो? उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उसका फोन नंबर याद है भाई। क्या नंबर है? वो एक अलग सा फैंसी नंबर है भाई। मेरे नंबर से भी ज्यादा फैंसी है क्या? आपका नंबर क्या है भाई? 90 42 03 28। याद आ गया भाई, 904 203 2863। ओके ओके, इस नंबर से उसे आसानी से पकड़ लूंगा भाई। मेरी असिस्टेंट की पोस्ट हाँ, कल सुबह से ज्वाइन कर लेना। कंफर्म है ना? कंफर्म ही है। बहन कविता, खाना खा लो। देख लिया ना भैया, ये लोग इंसान नहीं हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जो खेल जहां जैसे खेलना पड़े वैसे ही खेलना चाहिए।
पापा सोचते हैं तुमने नादानी में गलत कदम उठाया है। जीजाजी को बदल कर तुम्हें इज्जत से अपने घर ले जाऊंगा। अगर यहां से जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे या फिर सब यहीं मरेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नफरत नहीं हो रही मुझसे? नहीं बहन, तेरी आंखों में आंसू देखकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, ठीक है भैया, तुम हो इसलिए मैं सब कुछ सह लूंगी। खा लो। क्या है रे ये? प्लेट। प्लेट है? छी, मैं तो चाट समझा था। क्यों बेटा, ये क्या ड्रामा है, किसके लिए आया है? बताया था ना, भेजो यादव का सर काटने के लिए। ये झूठ उसके कान में रखना, यहाँ मेरे कान खाली नहीं है। भागी हुई लड़की को यहाँ लाकर उससे सबका नंबर ले लिया और अब खुद भूखा रहकर अपना खाना उस लड़की को खिला दिया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कुछ तो है, मुझे जानना है। बताओ कौन है वो लड़की? इतनी दूर आने के बाद तुमसे छुपाना बेकार है। वो मेरी बहन है, गलती से यहाँ फंस गई है। यहाँ किसी से मुझे कोई काम नहीं है। जीजाजी को बदल कर अपनी बहन का घर बसाना है। उसे तुम बदलोगे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इस फैमिली के बारे में तुम नहीं जानते? ये बात पता चली तो तुम दोनों को काट डालेंगे। देखो चाचाजी, पाप की उम्र लंबी जरूर होती है लेकिन उसकी पकड़ मजबूत नहीं होती है, एक न एक दिन मिट ही जाता है। पाप का यही अंत। अरे तू सच में पागल है? जैसे उसे सच का पता चलेगा वो तुझे मार देगा। उनको जाकर कौन बताएगा? मैंने जाकर बता दिया तो? जानता हूँ, ये बात बतानी होती तो अभी तक चले गए होते, खड़े नहीं होते। तुम रामायण के विभीषण की तरह हो, नहीं बताओगे। ऐसा मत सोचना बेटा। अच्छा सुनो चाचा जी, चाची क्या करती है? चाची क्या करेगी, अब तक मेरी शादी नहीं हुई। बैचलर हो, शादी नहीं हुई तो फैमिली के सेंटीमेंट क्या समझोगे? ए तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। मैं फिर कर रहा हूँ, कल से तू इस घर में दिखना नहीं। किस लिए कर रहा हूँ तू समझ ले। अरे, बस मेरी बात तो सुनिए। क्यों चाचा जी, क्या बात है? क्यों रे, तू अभी तक गया नहीं? यहाँ कोई लफड़ा मत करना वरना उस बैग की जगह तेरी बॉडी लटकेगी। कितना कड़वा बोलता है ये ना। तूने उसकी मदद की ये जानकर भी तेरी तरफ देखा भी नहीं, उसका कैरेक्टर कैसा है समझ ले। अरे वाह, मजा आ गया सर, बैग भी फट गया। उसकी जगह आदमी होता तो फट कर मर जाता वो। चुप कर बे, ये तो बच्चों का खेल है, मैंने तो कुछ और ही समझा था। ये तो गया, खाली अंडा इसके लिए ही है शायद। ए, रुक रे। क्यों रे, बच्चों का खेल लगता है, लड़ेगा क्या, हिम्मत है? हा? इस खेल के रूल्स मैं नहीं जानता। मारो तो गिरो मत, गिरो तो उठो मत। ऐसा क्या? ए, तुम बलि के अंडे में पानी भरो। हाँ, अंडा रेडी है सर। सुधारने आया अब झगड़ा कर रहा है? मजे के लिए चाचा जी, कहानी अभी शुरू हुई है, देखते जाओ। मरा तो अपने गांव में अंतिम संस्कार शाम से करवाना, उठा तो मेरे सामने ये फिर कभी ना आए, इसे समझा देना। जीतने का मौका हाथ से क्यों गवाया? अपनी बहन का चेहरा देखकर नहीं मार पाया चाचा जी, कल जीतने के लिए आज हारना पड़ता है। हुँ। हुँ। हुँ।
वाला और कोई कहाँ जी, न कोई यहाँ जी न कोई वहाँ जी, मिला नहीं ढूंढा बहुत मैंने यहाँ वहाँ जी, न कोई यहाँ जी न कोई वहाँ जी। किसके आगे यारा तू नहीं झुकने वाला, चाहे तूफान आए तू नहीं रुकने वाला। यारा 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 तू है बड़ा शेर दिल, जाए जिस इलाके में तू जाए इलाका वो हिल। यारा 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 तू है बड़ा शेर दिल, जाए जिस इलाके में तू जाए इलाका वो हिल। जिस्म तेरा लोहे का तू मुझे पतला जरा, पाया कहा रे लूट के लाया, कूट खाया और वो कथन अपनाया, इसीलिए सोने जैसी चमके तेरी काया। बहर भैया बहर बा लगे तो हीरो जैसा, बंधन के तू बता चला कहा रे, गली गली मारा फिरे जैसे कोई कुकुर, चोरी पर आई देख भैया ताके टुकुर टुकुर। तन तो उजला है तेरा पर तेरा मन है काला, एक नजर देखा किसे उसको मिटा ही डाला। यारा 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 तू है बड़ा शेर दिल, जाए जिस इलाके में तू जाए इलाका वो हिल। यारा 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 तू है बड़ा शेर दिल, जाए जिस इलाके में तू जाए इलाका वो हिल। दोस्तों का भी गला काट के रख डाले रे, एक धमाका हो वहाँ तू जहाँ जाए रे। तू जो कहे वही करूँ, पूजा तेरी करूँ, नमन करूँ रोज तेरे जूते साफ करूँ। घर में तेरे बैठी है देवी जैसी माता, तू कितना अभागा रे सेवा नहीं कर पाता। भाग मेरा खुल जाए जो आशीष इनका लूँ, धूल जो इनके चरणों की मिल जाए मैं खुशी से लूं। काली करतूत तेरी जाने सारा जहाजी, मिला नहीं ढूंढा बहुत मैंने यहाँ बहाजी। यारा 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 तू है बड़ा शेर दिल, जाए जिस इलाके में तू जाए इलाका वो हिल। यारा 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 तू है बड़ा शेर दिल, जाए जिस इलाके में तू जाए इलाका वो हिल। अरे बापे क्या है रे, बड़े साहब की भाई की बेटी है, इसके पिता के मरने के बाद इन्होंने ही इसे पाला है। क्यों बेटिया कैसी हो तुम? हाँ अच्छी हूँ बड़े पापा। ए, सामान अंदर रखवा दो, तू चल रही। क्यों बिटिया, मेरे मरने तक नहीं आने वाली थी, अब कैसे आ गई? तुम वैसे भी मरने वाली नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें मारने के लिए आ गई हूँ। तुमका मारे तालाब के पास ले जाके तुझे वहाँ से धकेल दूंगी पगली। जानती हो ये सब? मैं सब जानती हूँ, मैंने बिरयानी का पैकेट दिया तो तुम्हारे मामा ने सब कुछ बता दिया। देखो कृष्णा, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। छी, इतना ट्राई करने पर भी टू टू के अलावा दूसरी आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है वो आपको फोन लगा रहा हो। भाई वो मुझे क्यों फोन करेगा रे, पागलों जैसी बात कर रहा है। आप भी तो उसको फोन कर रहे हो ना। अच्छा एक काम करते हैं। हाँ बताओ। उसको मैसेज भेजे तो करेक्ट।
अरे बापरे, हाँ तो बड़ा शाना लगता है। मैंने हाउ आर यू भेजा तो उसने भी हाउ आर यू भेज दिया। बापरे, ये तो बहुत होशियार लगता है भाई। छोड़ना मत, पकड़ के रहना, इस काम में लगी रही भाई। तुम जा रहे हो क्या? मैं अभी आता हूँ। ओके। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए, हमारे यहाँ से जाना नहीं चाहिए। प्रेस्टीज का सवाल है, समझ गए ना? कविता, जीजाजी कहीं काम से जा रहा है, तुम उनके सामने जाओ। नहीं भैया। तुम सामने जाओगी तो उनका काम पूरा होगा, ये सेंटीमेंट जरूर काम करेगा। नहीं भैया, मुझे डर लगता है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ जाओ। अरे कहाँ ना जाओ, अरे जाओ ना। देखिए जो भी हो वैसा होना चाहिए। बाहर जा रहा हूँ तो सड़ी शक्ल लेकर सामने आ गई, चल जाए यहाँ से। चलो मामा। हाँ जाने दो, चलो मामा। चले वो कहाँ ना, आ रहे हैं तो जाओ। हाँ हाँ आ रहे हैं, चलो बेटा। जल्दी। हेलो, आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ए जल्दी चलो रे, वो फाइल दे। बेटे जैसे मरे हैं, ये साला भी वैसे ही मरना चाहिए। मार रे, हिम्मत है तो मार। डालो रे, डालो, डालो। जला दे साले को। ए बैजू यादव, मुंह बंद कर साले। Congratulations, Mr. Keshav. Contract आप ही को मिला है. All the best. Thank you. आज तुझे मान गया। अगर तू नहीं आता तो सब के सब मर जाते। मेरा कुछ नहीं है चाचा जी। आज घर से निकलते समय जो सामने आई थी ना, उसका असर है ये। सही बोला तू। आज कौन सामने आया? और कौन? आपकी बीवी। आज उसे नहीं छोड़ूंगा। तू सही कह रहा है। उसके सामने आने से ये सब हुआ। आप गलत समझ रहे हैं सर। गलत? हाँ सर, कोई पत्नी अपने पति की मौत नहीं चाहती। उसके सामने आने की वजह से ही आज कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगा और आप जिंदा बच गए सर। ये तो बहुत चालाक है। इस हादसे में बच गए मतलब सब उसकी ही दुआ है। उतरो। ए उतरो। मैंने क्या गलती की है सर? उसका नाम लेना ही गलत है। चलो तर, बात करना ही गलत है।
सर 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 यहाँ बस भी नहीं मिलती सर, 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा सर। रुकिए सर 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 आने दो पैदल। बेचारा वो तो बकरा बन गया। गलत है बेटा, उसने सच कह दिया इसलिए उतार दिया। बेचारा अकेला 10 किलोमीटर कैसे चलेगा। अरे ये क्या, मुझे भी उतार दिया। पता नहीं कैसा इंसान है। क्यों चाचा जी, तुमको भी उतार दिया। तेरी वजह से रे, तेरा प्यार मुझ पे बरसा है। चल अब खड़ा क्या है। उसके सामने आने की वजह से ही आज कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगा है और आप जिंदा बच गए। कोई पत्नी अपने पति की मौत नहीं चाहती। अरे बाप रे बाप, चल चल कर पैर दर्द करने लगा है। देखनी चाहिए तुम्हारे भाई की शक्ल। बेटी को खुश देखकर सारी थकान दूर हो गई है ना। ये बात जाकर उस बुड्ढे को क्यों नहीं बोलते। मेरी बैंड बजाने के बाद ही तुझे चैन मिलेगा। राम 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 राम, हंस रही है, हाथों में मेहंदी का कर रही है। ये तो आज हमारे हाथों से मारी जाएगी। इस बुढ़िया को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। नौटंकी कर रही है। रुक रुक रुक। क्या है बुढ़िया, हाथ में ये सब क्या है और बौरा क्यों रही है इतनी। अरे माँ, लकवा मारा है इसलिए डॉक्टर ने वजन उठाने के लिए कहा। क्या कर रहा है, क्यों रे, बूढ़ी है नहीं दिखता, मार देगा क्या। देखो चाचा जी, जब तक मेरी बहन सेफ है तभी तक इस घर के लोग सेफ हैं। सर घूमा तो बुढ़ा बच्चा, अच्छा बुरा पाप पुण्य ये सब नहीं देखूंगा। मारना शुरू कर दिया तो रोने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। क्या हुआ मलिक, क्या हुआ साहब। भगवान के मंदिर में उनके चरणों में रखी अंगूठी कहाँ गई रे, किसने चुराई, जाके ढूंढो रे। आज तक इस घर में चोरी नहीं हुई, ये जरूर किसी नए आदमी का ही काम होगा। उसको देख के क्या बोल रहा है तू, नजर ठीक है ना, वो कौन है जानता है, हमारा दायना आता है वो, सपनों में भी ऐसा काम नहीं करेगा। आप रुकिए दादू, अगर मुझ पर शक है तो अपनी बेगुनाही मैं ही साबित करूंगा। ए रुक, अब देख लो दादू। वो कहा है रे, हाथ दिखा, हाथ दिखा। जान चली जाए तो भी नहीं दिखाऊंगा। मार दूंगा, कहां है दिखाओ। दिखाओ, चलो दिखाओ, चल दिखा रे। कहां है, कहां है, बोल कहां है, बता रहा। ए, ए, इतने लोग हैं, किस लिए हैं? 10 बोतल दारू पीने को, 20 मुर्गी चबा जाने को, किस लिए? देखो देखो, शरीर बाबा का है, सर हमरा है, भगवान हमको भगवान समझता है, विश्वास इसी को कहते हैं कुत्ते कहीं के। इतना दुखी क्यों हो रहा है? मुझे कोई अफसोस नहीं है दादू, लेकिन एक बात का दुख जरूर है। तुझे चोर समझा उसका? नहीं दादू, मैं नहीं चाहता था कि अपने भगवान को मैं 4 लोगों के सामने लाऊं, इसीलिए। मालिक मालिक, आपकी अंगूठी भगवान के मंदिर में मिल गई। हा, 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 हा। बेटा, आज से हम भगवान तुम पुजारी हो, तुम्हारी आवाज हमारी आवाज होगी, सब लोग सुन लो, आज से इसकी आवाज ही मेरी आवाज होगी, समझ गए ना। दिन ब दिन हमारे रिश्ते बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। प्यार से चाचा जी कहकर बुलाता हूँ, इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें? अंगूठी लाकर मेरे बैग में रख दी,
क्या प्लान था तुम्हारा? साहब के हाथों कहीं पकड़े न जाओ, सोच कर बाहर भगा दूंगा तो जान बच जाएगी, इसलिए किया। इतनी इंसानियत थी इसीलिए तो अंगूठी पेटी के नीचे रखी, कहीं जेब में रख दी होती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारा। यार मुझे एक बात बता, अंगूठी पेटी के नीचे रखी है ये तुझे कैसे पता? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं चाचा जी। अरे ये तो यहाँ कल ही आई है ना, इतनी जल्दी से कैसे पटा लिया? वैसे तुम दोनों का रिश्ता क्या है? अरे कैसी है रे तू? अब्बास मेरे छुटके बिटवा, इसको मार के तूने आज हमको खुश कर दिया। शाबाश शाबाश, ए इधर ला रे। तुझे भगवान हर बुरी नजर से बचाए। चला अंदर। शाबाश। ये कौन है चाचा? तुम्हारा असली इम्तिहान तो अब शुरू होना है बेटा। एक बकासुर, एक नीच, एक हैवान, ये तीनों जब मरे होंगे तब ये कमीना माँ की कोख से बाहर निकल रहा होगा। कमीने में तीनों का मिशन है, इससे दूर रहना, नहीं तो तुझे भी निकल जाएगा। ए, कौन सा तरीका है खाना खाने का? चाहे खाना हो, चाहे जान हो, चाहे औरत हो, उसे मसाले में ही अच्छा लगता है। तुम कहाँ जा रही हो? खाना खाओ, मेरी भूख मर चुकी है बड़ी माँ। क्या हुआ, शर्मा रही हो? साली होती तो मजा आता, गलती से भाई बन गया। क्या बकवास कर रहा है? हाँ क्यों रे नटवर, और कितना दिन ऐसे भटकता रहेगा रे? शादी ब्याह नहीं करना है क्या? झूठी थाली को फेंकने में ही अच्छा लगता है, खाने के बाद धोकर अलमारी में रखी हुई चांदी की थाली भी मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा ही तुम में तो सारा अपने दादा का ही गुण है रे। वही मैंने कहा। कौन है बे? नया काम पर लगा है बेटा, साहब का दाया हाथ है। ऐसा खड़ा क्यों है? नमस्ते करना भी नहीं जानता? नमस्ते भाई। ये क्या बे, हमको स्कूल के मास्टर हैं, घर के मालिक को उसके पैरों में गिर कर नमस्ते करना चाहिए। ये सोच क्या रहा है? करो कर बे। काम वाला कैसा होना चाहिए समझा इसको, आते जाते नमस्कार करना जरूरी है, अकड़ दिखाई तो सर कट जाएगा। अब जाइए, मैं समझाता हूँ ना, समझाता हूँ। मैंने बोला था ना ये बहुत बड़ा राक्षस है, दिखा तो कहीं ज्यादा तुम्हें लगी। इसके बारे में बाद में बात करते हैं चाचा जी, ये बात बहन को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है ना? ओके। हेलो हेलो, सुनो पुष्पा खसरा, हर दिन देखता हूँ, बड़े परेशान दिखते हो, कौन है वो गधा? दुश्मन अपने घर में ही है सर, उसका फोन नंबर है ये, जब भी फोन करता हूँ तो बिजी कहकर एंगेज बताता है। वैसे तुम सेल नंबर लगा रहे हो या पिन कोड नंबर लगा रहे हो? सुनिए, हमें इतना भी बेवकूफ मत समझिए, आपके जैसा हाफ पढ़े लिखे नहीं है, फिफ्थ क्लास फेल हूँ मैं। बताओ नंबर क्या है? नंबर 90 32 03 28 63। मार क्यों रहे हैं? ये तेरा नंबर है। क्या मेरा नंबर है? खुद का खुद लगाएगा तो क्या होगा? मुझसे धोखा, आज जी उसे उठवा लेता हूँ। किसे? मुझे धोखा देने वाले को। क्यों क्यों, क्या कह रहे हो? एक ही नंबर दो लोगों को देते हैं क्या? हम इतने पागल लगते हैं क्या? चिंता मत करो भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मतलब ये सब हर मैटर को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हो भाई। मैनेज करते चला आया हूँ, इसीलिए तो इस घर में टिका हुआ हूँ। एक और बात जानते हो, मैं इस घर में रहने वाले हर किसी की आवाज निकाल लेता हूँ। जरा एक करके दिखाइए, वो दरोगा कैसे बोलता है सुनो। ए, हमसे जो टकराता है हम उसे मिट्टी में मिला देता हूँ और उसे चीर कर रख देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कमाल कर दिया भाई, एक बार और हो जाए। बुढ़िया की आवाज सुना। ई घर में 100 नौकर भरे हुए हैं, पर काम के बखत सारे मर जाते हैं। सुपर है भाई, इस बार नेटवर्क की आवाज निकाल दो तो मान जाऊंगा मैं आपको। उस नेटवर्क का नाम भी मत ले तू, वो बहुत बड़ा दफन नालायक है। मुझे क्या कहता जानते हो? गटर की गंदगी करता है।
वही मुझे मिर्ची लगती है। उसकी आवाज के लिए मत बोलो तुम। ए, तुम किसी की भी आवाज निकालने को बोलो, उसकी आवाज का साउंड भी नहीं सुनना चाहता। ओके, ए गटर की गंदगी। एक बार बोला उसकी साउंड मत निकालो, मुझे उसकी आवाज सुन करके चिढ़ हो जाती है। ए गटर की गंदगी। वो आया, तुम पहले से ही जानते थे ना? तुम्हारा वो मैटर शुरू होने से पहले ही वो आ गया था। तो भी तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे पता था आप ये मैनेज कर लोगे। इसलिए किस तरह मैनेज करते हैं सीख लिया ना। मेरा राजा बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। तुम मुझे यहाँ से ले चलो। क्यों रे, कैंची मेरी और कटिंग तेरी? मैं हैप्पी बार से फुल बोतल दारू पीकर आया तो खुशबू वाले साबुन से नहाकर कौन से समझा? लक्स साबुन से नहाकर बालों में गजरा लगाकर मेरे लिए तैयार होकर इंतजार करेगी सोचा था, लेकिन चादर ओढ़कर सो रही थी तू। तेरी जात का राम 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 से तेरा चक्कर कब से चल रहा रे? मेरी गैर हाजिरी में तेरा राम से टांका भिड़ा है। तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे और तेरे यार दोनों को मार डालूंगा, खून की नदी बहा दूंगा मैं। तुम्हें बेवड़ा बोलती है। पति घर पे आता है तो उसको खाना देना और उसकी सेवा करना छोड़कर तू पागली है? गई कहाँ गई, कहाँ गई? अच्छा उधर खड़ी हो गई। तू क्या सोचती है कि मैं नशे में तो तू बच जाएगी? तेरी क्या, आज मैं तेरी हड्डी तोड़ डालूंगा। अरे जान खाएगा क्या? तेरा अच्छा नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा सन्नाश हो जाएगा। सब 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 ए, वो बड़े मालिक को उंगली दिखा करके चिल्ला रहा है और तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, जाकर देखो उसे। ऐसी फैमिली को बातों से नहीं समझाया जा सकता। ऐसी फैमिली को समझाने के लिए तुम्हारी भाषा बेहतर है, जाओ तुम ही जाकर समझाओ। आदमी के जुल्मों को औरत युग युग से इसी तरह सहन करती आएगी। ए, तू कौन है रे मेरे पति पर हाथ उठाने वाला? मेरा पति मुझे मारे या मार डाले, तुझे क्या करना है? पति पत्नी की भी हजारों बातें होती है। मेरे राजा, मार मार कर थक गए ना, चलो खाना खा लो। खाना खा के वापस मारूंगा। ठीक है, चलो। समझा लिया ना? बचाओ मुझे क्या करके बुला रही थी तो बचाने गया, उसने मुझे ही मार दिया। मारने पर तो कोई भी ऐसे ही चलाएगा भाई, तुम भी तो ऐसे ही चलाए। पति चाहे जितना भी मारे या गाली दे पत्नी सुन लेती है, और पति पर कोई उंगली उठाए तो कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती। पत्नी की नजर से देखोगे तो हर पति को समझ में आ जाएगा पति से कितना प्यार करती है वो। वैसे भी पति समझदार हो तो समझता है, लेकिन शादी करके छोड़ने वालों को कौन समझाएगा? सर सॉरी सर, आपको नहीं बोला। कविता बहन, क्या हुआ बहन, रुक क्यों रही हो? ए, बोलो ना क्या हुआ? रात को क्या हुआ आप जानते हो? अरे मेरी बात सुन। भाभी माँ के समान होती है, आज तो इसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, कल तो मेरे साथ भी करेगा। भाभी क्या भाभी, इस बकवास को मैं नहीं मानता, चल हट। मंदिर जा रही है। हाँ
विधवा हो जाए रे। चलो रे चलो। हाँ चलो। अरे कुत्ते की तरह मारा है। ए बड़के, तेरा छोटा भाई वहाँ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तू यहाँ बैठा आराम से अखबार पढ़ रहा है। चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊँगा। किसी भी रिश्ते की कीमत ना जानने वाला जिंदा रहे या मरे एक ही बात है। चुप। चल जा। गधा कहीं का गधा। जिंदगी मौत में झूल रहा है और ये यहाँ ग्रह प्रवेश का मुहूर्त निकाल रहा है। अरे अरे मेरे दादी जी नीचे गिर गए। क्या हुआ माई? गेंद की तरह कैसे गिर पड़ी? ए डॉक्टर को बुला रहे। मुंह खोलिए। मार बड़ा जोर का लगा है। कब तक सांस चलेगी बता नहीं सकते। चुड़ैल की हवा लग गई रे बिटवा। हमारी जिंदगी लड़खड़ा रही है। हम जा रही हूँ घर संभालना, बच्चन का ध्यान रखना। अरे तुम चुप रहो। यजमान गृह प्रवेश का समय बिता जा रहा है। आप कीजिए। अरे रे बिना जोड़े का गृह प्रवेश कैसे होगा यजमान? तू ना जाना रे बिटवा। तू जाएगा तो हमरे गला में पानी कौन? बस भी करो मैं। साहब गृह प्रवेश को रोकना शायद ठीक नहीं होगा। जाऊंगा तो ये डूब जाएगी, नहीं जाऊंगा तो घर डूब जाएगा। क्या करूँ हम? यहाँ जान वहाँ पूजा दोनों जरूरी है। यहाँ आपको ही रुकना पड़ेगा। वहाँ घर का कोई भी जोड़ीदार रह सकता है। दादू बड़े साहब फैमिली के साथ बैठ जाते। हमको तो दिन में ही रात वाले तारे दिख रहे हैं। जो करना है वो करो, जाओ। लक्ष्मी जैसी लग रही है ना? वक्त यही रुक जाता तो कितना अच्छा होता।
तेरा दिलदारा, लाख तुरो के चूमेंगे हम रूप तेरा दिलदारा, मरने से नहीं डरते आशिक छुएंगे बारंबार। वाह वाह अरे रे वाह वाह वाह। शराबी नैन गुलाबी रामा रे रामा, जहाँ जहाँ से गुजरे तू हो जाए हंगामा। अरे रे वाह 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 अरे रे वाह वाह वाह। अगड़म बगड़म है तू अल्लम गल्लम है तू, अगड़म बगड़म है तू अल्लम गल्लम है तू। इतना अकड़ना मत तू, लड़ना मत तू, लड़ना मत तू, लड़ना मत तू, लड़ना मत तू। जीना मुश्किल हो जाए रे तीर नजर जो मारूं, ना जरा बच के रहना जरा, सांस के लेने के काबिल मैं ना तुझको छोड़ूं, ना जरा बच के रहना जरा। मैं तेरा आशिक दिलबर दिल के हाथों मजबूत, एक पल भी रह पाऊं ना मैं जानम तुझसे दूर। अरे रे वाह 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 अरे रे वाह वाह वाह। बड़ा बेशरम है तू, बड़ा बेशरम है तू, बड़ा बेशरम है तू, बड़ा बेशरम है तू। मेरी जान लड़ना मत तू, झगड़ना मत तू, झगड़ना मत। छूना रे मत छूना रूप ये मेरा प्यारा, छूना रे मत छूना रूप ये मेरा प्यारा, एक बार जो देखे देख न पाए वो दोबारा। लाख तुरो के चूमेंगे हम रूप तेरा दिलदारा, लाख तुरो के चूमेंगे हम रूप तेरा दिलदारा, मरने से नहीं डरते आशिक छुएंगे बारंबार। वाह वाह अरे रे वाह 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 वाह। ए सुनो, छोटी मालकिन कहाँ है? वही मेरी पत्नी, इस घर की बहू। ए सुन, तूने कहीं देखा? किसी को कुछ नहीं पता। पत्नी पत्नी बोलकर पागल कुत्ते की तरह इधर उधर उसके पीछे घूम रहा है, घर बसाएगा क्या? क्यों, अपनी पत्नी के साथ घर बसाना पाप है क्या? मुंह बंद कर, नाला है कहीं का। चांटा मारते वक्त ही उसे मार डालते हैं, बोला नहीं पत्नी बनाकर उसे नौकरानी बनाएंगे, बोला भूल गया है क्या तू? पत्नी पत्नी कहकर उसके लिए तेरा तड़पना देखकर हम चुप रहूंगा? इसलिए हमने उस ससुरी के खातिर गला काटने के लिए अपना आदमी भेजा हूँ। तुम मेरे पिता ही हो ना, मेरी पत्नी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसने दिया क्या रे, घर का इज्जत ने दिया। उसने चांटा तेरे गाल पर नहीं घर की इज्जत पर मारा। पत्नी का पुकार तेरे मुंह से सुनकर उसका चांटा हमारे मुंह पर लगा कैसे भूल जाऊंगा? अभी तक सर धोती में छुपा कर फिर रहा हूँ। तू बदल सकता है लेकिन हम नहीं बदलूंगा। मार दे बोला तो उसको मार देना चाहिए, इसलिए मैंने उसे मारने भेजा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं।
मार दिया था जो। मार दिया, मार दिया रे, मेरी पत्नी को मार दिया। उसे बचाने के लिए कोई भी आगे आया तो उसे काट कर फेंक दूंगा। ए, वो हमरा आदमी है, बीच में आया तो तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। तू बंद कर। ए, वो तेरे भरोसे वाला आदमी है तो मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी खून की गर्मी मुझ में है। मेरी पत्नी को मारने वाले की लाश मेरे घर में ही सड़नी चाहिए। बीच में आए तो भूल जाऊंगा तुम्हें कि तुम मेरे बाप हो। इतने दिन से तेरा एक ग्रुप था, मेरा एक ग्रुप था, लेकिन हमेशा तेरा हाथ ऊपर था और मेरा नीचे। मेरे चारों बेटों को मारा, उस आग की आग कैसे जलती है अब तुझे दिखाऊंगा मैं। तेरा छोटा बेटा मर गया है और तेरा राइट हैंड अब नहीं उठेगा। अब तेरे बड़े बेटे को भी चीर दूंगा। अरे मार डालो इसे। काली माँ के मंदिर में दिए जाने वाली बलि की तरह काट दो। तेरे बेटे की बलि को रोकने कौन आता है मैं देखता हूँ। अबे साला हम आता हूँ। तेरी मौत मेरी आंखों के सामने होगी। Yeah.
मेरे बेटों की तो राख तो बची, तुझे वो भी नहीं मिलेगी। तेरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। खत्म हो गया साहब, इतने सालों से आपके बीच हो रही लड़ाई खत्म हो गई। वहां बैजू यादव के सारे आदमी मारे गए, यहां आपका बेटा मारा गया। दाया हाथ जिसे बोलते थे, उसने अपना कर्तव्य निभाया साहब, उसने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया। कविता थोड़ा लेफ्ट में, नो 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 थोड़ा राइट में, ओके ना? हाँ ओके 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 ओके। अपनी फैमिली मुझे जैसी चाहिए थी वैसी ही है। आई एम हैप्पी, अब सब ठीक है। दोबारा कभी दादू का सामना हुआ तो क्यों रे, तुझे वो दिखाई दे रहा है? यही नहीं साहब, मुझे तो वहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, उधर भी दिखाई दे रहा है, सब जगह दिखाई दे रहा है साहब। हाँ रंग रूप ऐसा ही है ना? हाँ जी, शायद मेरा भ्रम हो सकता है। चल 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 चल, हम नहीं रे, तू ही भगवान है, हमरे घर का भगवान। चलो, थैंक यू भगवान, थैंक यू।